हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या आप भी हर एक अलग बीमारी के लिए अलग मेडिसिन ले रहे हैं, अलग इलाज ले रहे हैं? तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर किसी भी इंसान को गैस की समस्या है, कब्ज की समस्या है, या डायबिटीज हो चुकी है, जोड़ों में दर्द रहता है, हाई बीपी की समस्या हो चुकी है, हाई कोलेस्ट्रॉल बॉडी में हो रहा है, या फिर शरीर में कैल्शियम की कमी हो चुकी है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग इलाज, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथिक या एलोपैथिक, अब अलग अलग इलाज ले रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, रोजाना सिर्फ इन पत्तों का सेवन करने से ये तमाम बीमारियाँ अपने आप ठीक हो जाएंगी। इन बीमारियों को ठीक करने के लिए हमें जरूरी है ऐसी चीजों का सेवन किया जाए जो हमारे शरीर में वात पित्त और कफ को बैलेंस करने की क्षमता रखता हो। तो इन पत्तों के अंदर ये क्षमता है जो कि हमारे शरीर से कमजोरी को दूर कर देगी। अगर किसी इंसान को कैंसर हो चुका है तो ये कैंसर सेल्स को भी बॉडी से बाहर कर देंगी। इसके अलावा ये एंटी ट्यूमर गुणों से भरी हुई है। कुछ लोगों को कैंसर की समस्या नहीं होती, बल्कि बॉडी के अंदर ऐसे ही ट्यूमर, ऐसे ही गांठें होती रहती हैं जो कि उनके डर का कारण बनती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस पत्तों के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सभी चीजें भरपूर मात्रा में हैं। तो चलिए जान लेते हैं ये पत्ते कौन से हैं, इनका सेवन कैसे करना है। उससे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि अगर आप अपनी बॉडी को फैट से फिट करना चाहते हैं, आपको भी ऐसे लगता है कि बीमारियों का कारण मोटापा और पेट में होने वाली समस्याएं हैं, तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, उसके व्हाट्सएप पर यस लिखकर भेजिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि फैट से फिट कैसे होना है, या फिर आप बहुत पतले हैं, आप अपने आइडियल वेट पर कैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये पत्ते हैं सहजन के, जिन्हें मोरिंगा कहा जाता है। बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें फायदा नहीं हुआ। इसके पीछे रीजन ये नहीं है कि मोरिंगा के पत्ते फायदा नहीं करते, रीजन ये होता है कि हमने इन्हें किस तरीके से लिया, कौन सी चीजों को हमने सही से फॉलो किया। तो आपको मैं बताने जा रही हूँ कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना सबसे ज्यादा अच्छा है और कब करना सबसे ज्यादा अच्छा है। अगर आपकी हड्डियों में कमजोरी रहती है, आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो चुकी है, तो दोस्तों इन पत्तों का डायरेक्ट सेवन कीजिए, यानी कि जो हरे हरे पत्ते होते हैं ना, 5 से 6 ऐसे ही चबा लीजिए। लेकिन अगर किसी इंसान को ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो आपने मोरिंगा यानी सहजन के पत्तों की चाय बनाकर, चाय कैसे बनानी है, 1 गिलास पानी लीजिए, 5 से 6 पत्तों को इस पानी के अंदर उबाल कर ये जो पानी तैयार हुआ है, इसका सेवन खाली पेट कभी भी कीजिए। ये शरीर में बढ़ने वाले विषैले पदार्थों को, टॉक्सिन्स को दूर कर देता है, बॉडी को डिटॉक्स कर देता है, धमनियों में आने वाली प्लाक्स और ब्लॉकेज को दूर कर देता है, और बुरे कोलेस्ट्रॉल अपने आप सही हो जाता है। दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट पत्तों का सेवन करते हैं तो ये जोड़ों के दर्द को तो दूर करता ही है, कैल्शियम की कमी को तो दूर करता ही है, साथ ही साथ ये इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को भी ठीक कर देता है। अगर आपकी हड्डियों में कमजोरी है, जोड़ों में दर्द है, इनडाइजेशन है, तो आप डायरेक्ट पत्तों का इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, या डायबिटीज है, या फिर बुरा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ता है, तो आपने इसकी चाय बनाकर सेवन करना है। अगर किसी इंसान को स्किन प्रॉब्लम रहती है, स्किन पर एक्जाइमा है यानी खाज खुजली बहुत ज्यादा होती है, स्किन टाइट नहीं है, तो आपने इनका डायरेक्ट पत्तों का इस्तेमाल दिन में कभी भी कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि आपने खाली पेट ही इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इसके 5 से 6 पत्ते शरीर में आने वाली जो टॉक्सिन्स हैं, जो विषैले पदार्थ होते हैं, उनको रोज का रोज बाहर कर देते हैं, पेट को साफ कर देते हैं, कब्ज की समस्या को दूर कर देते हैं। अगर किसी इंसान का वजन बहुत ज्यादा है, वजन घटाना चाहते हैं, यानी कि अपने मेटाबॉलिज्म को तेज करेंगे तभी वजन कम होगा, तो ऐसे केस में आपको इसकी चाय बनाकर ही सेवन करना है, जैसे मैंने आपको बताया है। चाहे आप पहले चटनी बना लीजिए, फिर इसे पानी में उबाल लीजिए, छानकर इसका पानी पी लीजिए, इस तरीके से ले सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।